नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। बात करेंगे गोदारी पावर एंड इस्पात लिमिटेड के बारे में। आज दिन स्टॉक के अंदर ना दो न्यूज़ आए, एक गुड न्यूज़ है, दूसरा जो है बैड न्यूज़ है। तो पहला ना गुड न्यूज़ को लेकर बात करते हैं, बाद में बैड न्यूज़ को लेकर। तो देखिए, गोदावरी पावर इस्पात लिमिटेड के अंदर जो है एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ जो है वो 51% स्टेक खरीदने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने एक नई कंपनी के अंदर ना एक अच्छा खासा स्टेक खरीदा और ये कंपनी का नाम है जम्मू पिगमेंट लिमिटेड, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपना JPL भी कह सकते हो, जिसमें गोदावरी पावर इस्पात लिमिटेड ना 255 करोड़ रुपया मतलब यूज़ किए इस स्टेक को खरीदने को लेकर, जो कि काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। और ये करती क्या है कंपनी जम्मू पिगमेंट लिमिटेड, तो ये जो है ना ये नॉन फेरोस मेटल जो रहती हैं उनका ना रिसाइकलिंग करती है, पहला चीज़। दूसरा, लीड एसिड बैटरी जो होती है उनका भी ना ये रिसाइकलिंग करते हैं। और इनका प्लांट जो है खाटू के अंदर है, खाटू जम्मू कश्मीर के अंदर आता है, कोटा राजस्थान ये जगह पे इनका ना फैक्ट्री है, तो काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। दूसरा ख़राब अपडेट क्या है, तो देखिए इनकी एक और कंपनी है, यहाँ दोस्तों JPL जो अभी बताया ना जम्मू पिगमेंट लिमिटेड, इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है RG पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इसको ना कुछ दिन पहले ना गोदावरी पावर इस्पात लिमिटेड ना 74% स्टेक खरीदे थे, जो पुराने वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब ये डील कैंसिल हो चुकी है जी हाँ दोस्तों, ये डील ना RG पिगमेंट लिमिटेड का डील कैंसिल कर दिया गया। अभी ये जो मेन कंपनी है जम्मू पिगमेंट लिमिटेड इसको खरीदा गया है। तो सारे कंडीशन सारे न्यूज़ बता दिया हूँ, अभी टेक्निकल्स को लेकर बात करते हैं। तो देखिए, स्टॉक्स जो है रिकवर करना नीचे से चालू कर दिया है, 160 के लेवल से इसने रिकवरी करना चालू किया था, बीच में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर दोबारा 180 रुपये एक मजबूत सपोर्ट लेवल है। पहला टारगेट इसमें रहेगा 200 रुपये का, एक बार ये लेवल ब्रेकआउट कर लेता है तो यहाँ पर दूसरा टारगेट सीधा बनेगा 240 रुपये तक का बन सकता है। तो सारे कंडीशन सारे न्यूज़ बता दिया हूँ, चैनल पर बार आते सब्सक्राइब जरूर करना, बाय को रिकमेंडेशन ही जय।